असलम बच्चो आज हम कॉम्प्रीहशन पैराग्राफ नंबर फिफ्टीन करेंगे पेज नंबर फोर्टी फाइव है द कैमल इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट डेजर्ट से ऊँट को सेहरा का जहाज़ बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट्स ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त मीनस जराए ये सेहरा में आमदोरफ़त का बेहतरीन जरिया है कैमल्स गो स्लो ऊंट आहिस्ता चलते हैं बट दे गो ऑन वॉकिंग फॉर ऑर्स ऑन द बर्निंग सैंड एंड इन द ब्लेजिंग सन बर्निंग जलती हुई सैंड रेत ब्लेजिंग सन बहुत गर्म या चिलचिलाता सूरज ऊंट आहिस्ता चलते हैं लेकिन वो घंटों तक जलती हुई रेत और चिलचिलाते सूरज के नीचे चल सकते हैं कैमल्स कैवी हैवी कैरी हैवी लोड्स लोड वजन ऊंट बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं उठाते हैं मच हैवियर इन वेट देन एनी अदर बीस्ट ऑफ बर्डन कैन बीस्ट ऑफ बर्डन बोझ उठाने वाले जानवर किसी भी बोझ उठाने वाले जानवर से ज्यादा बोझ या वजन उठा सकते हैं वाइल द अदर एनिमल्स फीट सिंक इन टू देंड सिंक बेजान चीज का डूबना यहाँ पे धंस जाना जब दूसरे जानवरों के पैर रेत में धंस जाते हैं नेचर हैज़ मेड द फीट ऑफ कैमल कुदरत ने ऊंट के पैर ऐसे बनाए हैं सच दैट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर इट टू वॉक ऑन सैंड ऐसे बनाए हैं कि उसके लिए रेत पर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है द कैमल इज सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स सुपीरियर बर्तर ऊंट दूसरे तमाम जानवरों से बर्तर है बिकॉज इट कैन गो विदाउट फूड एंड ड्रिंक इट्स हम्प इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ फूड हम्प मीन्स उसका कुहान जो ऊपर उभरी हुई चीज होती है वो भी खुराक का जहीरा होता है विच द कैमल्स यूज जिसको ऊंट इस्तेमाल करते हैं वेन दे गेट नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर मैनी डेज जब बहुत दिनों तक उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता इन डेजर्ट्स ओनली बुशेस ग्रो हेयर एंड देयर एंड द कैमल कैन लिव ऑन दीज बुशेस झाड़िया सेहरा में सिर्फ यहां वहां झाड़ियाँ उगी होती हैं और ऊंट उस पर जिंदा रह सकते हैं ऊंट को सेहरा का जहाज क्यों कहा जाता है? Is it for its speed that it is called शिप ऑफ द डेजर्ट क्या ये उसकी रफ्तार है जिसकी वजह से उसे सेहरा का जहाज कहा जाता है while डिफिकल्टी डू sand? ऑफ बर्डन करना दूसरे बोझ उठाने वाले जानवरों को रेत पर चलते हुए किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है वाई डज अ कैमल वॉक ईजिली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट ऊंट आसानी से रेत पर कैसे चल सकता है क्यों चल पाता है वॉट स्पेशल क्वालिटी मेक्स कैमल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ऊंट की कौन सी क्वालिटी है कौन सी हूबी है जो उसे दूसरे जानवरों से सुपीरियर बनाती है हाउ डज द केमल गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज़ एंड वीक्स वो बहुत दिनों और हफ्तों तक खाए पिए बगैर कैसे रह सकता है एंड वॉट डज दैमल जनरली लिव ऑन जनरली आम तौर पर वह क्या खाकर जिंदा रहता है आप इसको पढ़िए इसके आंसर्स ढूँढ दुन, ढूँढिये ओके टेक केयर अल्ला हाफिज़